गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज अजय भगेल फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू नरेट स्मॉल स्टोरी द चेस्टी गो। एक प्यारा कौआ। वंस अपॉन अ टाइम क्रो वाज वेरी थर्स्टी। एक बार की बात है, यहाँ पे मेरे टीचर ने तो आपको बता रखा है बच्चे, एक बार की बात है, सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा, उड़ रहा था इधर उधर। एट लास्ट ही सॉ अ वाटर पॉट नियर अ वेल। उसे एक कुएं के नजदीक एक वाटर पॉट, पानी का घड़ा नजर आता है। ही लुक इनसाइड द पॉट। वो कौवा जो है पॉट के अंदर देखता है, घड़े के अंदर देखता है, तो पानी जो है वो बहुत ही छोटा होता है। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट। पानी जो है घड़े में बहुत ही कम मात्रा में होता है। द क्रो सॉ सम स्टोन्स नियर बाय। कौवे को पास में ही थोड़े से स्टोन यानी कि कंकड़ पत्थर नजर आ। देखिए इस तरीके से मैंने आपको दिखाया, कौवा पानी के लिए पॉट में देखता है, पॉट में बहुत ही कम पानी होता है, वो स्टोन नजर आते थे, कुएं के नजदीक स्टोन नजर आते थे। ही थॉट ऑफ अ प्लान, ही पिक्ड अप सम स्टोन्स। उसके मन में विचार आता है कि वो स्टोन्स को इकट्ठा करेगा एंड वन बाय वन पॉट में डालेगा। इस तरीके पॉट में डालेगा। ही पुट देम वन बाय वन इनटू द पॉट। वो वन बाय वन पॉट के अंदर स्टोन डालता है। द वाटर लेवल इन द पॉट कम अप। पानी का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। द क्रो डैंस इन द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पी। कौवा पानी पीकर खुशी खुशी लंबी उड़ान भर जाता है। सो स्टूडेंट, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लगातार कौवे की तरह संघर्ष करते रहना चाहिए। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।